तालिबान का वर्तमान कैबिनेट निकाब केवल अस्थाई है और परिवर्तन के अधीन है और अफगानिस्तान की भविष्य की सरकार एक समावेशी होगी। अन्य जातियों के नेताओं को सौंपे गए शासन में भूमिकाएं, एक प्रवक्ता ने एक विशेष साक्षात्कार में प्रेस टीवी को बताया है। एक समावेशी कैबिनेट बनाने के पहले के वादों के बावजूद वरिष्ठ सरकारी पदों पर तालिबान के अपने अनुभवी सदस्यों को नियुक्त करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बारे में पूछे जाने पर सुहेल शाहीन ने तर्क दिया कि कार्यवाहक सरकार का निकाब तात्कालिकता से तय किया गया था और भविष्य में बदलाव होंगे ताकि लोग, विभिन्न अफगान जातियों के लोग, स्वयं को देश के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये एक अस्थायी कैबिनेट है। हमने ऐसा कैबिनेट इसलिए किया क्योंकि इसमें अत्यावश्यकता थी, शून्य था और लोगों को कुछ आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता थी, इसलिए ये कैबिनेट अत्यावश्यकता के आधार पर बनाई गई थी। साथ ही हम समावेशन में विश्वास करते हैं। वहाँ सदस्य जातीयता से के लिए लोगों को सरकार में खुद को देखने के लिए होना चाहिए। उनमें से कुछ यहाँ हैं, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री एक उज़्बेक हैं और कुछ मंत्री ताजिक जातीयता से हैं और भविष्य में और भी होंगे, उन्होंने कहा। प्रवक्ता ने यह भी नोट किया कि अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो गया है और नई सरकार विदेशी ताकतों द्वारा 20 साल के लंबे आक्रमण के बाद देश के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। शाहीन ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे पूछा गया कि तालिबान दो दशक पहले अपने पिछले शासन के बाद से कितना बदल गया है। कुछ मीडिया आउटलेट हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राय को गुमराह करने के लिए हमें हाशिए पर रखना चाहते हैं, वे वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है, शाहीन ने कहा। समाचार जारी रहेगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक करें और NBC न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट करना न भूलें। हम उस समय और अभी प्रचार के शिकार थे। उस समय हमारा ध्यान सैन्य मामलों पर अधिक था क्योंकि हम युद्ध में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अभी ये खत्म हो गया है। हम लोगों के कल्याण, लोगों की समृद्धि, देश के पुनर्निर्माण और लोगों के लिए रोजगार पैदा करने, शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों, यही मुख्य अंतर है, उन्होंने कहा। पहले हम लड़ाके थे क्योंकि हमारे देश पर कब्जा था। हम अपने देश को आजाद कराने के लिए खुद को सेनानी मानते थे। अब हम खुद को नौकर मानते हैं, इसलिए एक नौकर को अपने देश और अपने लोगों की सेवा करने के लिए दयालु और सहनशील होने की जरूरत है, शाहीन ने कहा। इस बात पर जोर देते हुए कि तालिबान अलगाववाद की नीति से दूर रहेगा और दुनिया के साथ जुड़ने के प्रयास करेगा, शाहीन ने कहा कि समूह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना चाहता है और सभी मुद्दों पर चर्चा करना और उनकी चिंताओं को दूर करना चाहता है। मानवाधिकारों के मुद्दों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूछे जाने पर विशेष रूप से तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हम महिलाओं को उनके सभी मूल अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक इस्लामी समाज है। अन्य देशों की तुलना में हमारी एक अलग संस्कृति है। हम शिक्षा और काम तक उनकी पहुंच के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समूहों की चिंताओं को संबोधित करते हुए कि तालिबान शासन के तहत उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, शाहीन ने कहा, हम सभी अफगान हैं, हम सभी मुसलमान हैं, कानून की दृष्टि से सभी अफगान समान है, कोई भेदभाव नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने 2001 में इस बहाने अफगानिस्तान पर हमला किया कि तालिबान आतंकवादी अलकायदा को पनाह दे रहे हैं। आक्रमण ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, लेकिन इससे देश में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई। तब उन्होंने पिछले एक महीने में अपने हमलों को तेज कर दिया और प्रमुख शहरों पर तेजी से कब्जा कर लिया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की जल्दबाजी में वापसी के रूप में देखा था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सरकार तेजी से गिर गई और राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान की बिजली की प्रगति के कारण देश से भाग गए। 7 सितंबर को तालिबान ने कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की। पंजीर में फिलहाल कोई युद्ध नहीं चल रहा, शाहीन ने प्रेस टीवी को बताया कि पंजीर घाटी में कोई युद्ध या लड़ाई नहीं है जो ताकीबन विरोधी ताकतों के पास है। प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान ने पंजशीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना पसंद किया, लेकिन बातचीत और सुलह के प्रयास विफल होने पर सैन्य अभियान का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
शाहीन ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि तालिबान को पंजीर में उनकी लड़ाई में पाकिस्तान से सैन्य सहायता मिली थी। हमें किसी भी देश के सैन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम 20 वर्षों से महाशक्ति और उसके परिष्कृत हथियारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत अनुभवी लड़ाके और हथियार है, तालिबान अधिकारी ने कहा। ये उस प्रचार में से एक है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान के अधिग्रहण के बाद तालिबान के खिलाफ पंजशीर एकमात्र क्षेत्र रहा है। देर से सोवियत विरोधी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के विरोध में अफगान सेना और विशेष बलों की इकाइयों के मिलिशिया और अवशेष शामिल कई हजार मजबूत बल का नेतृत्व कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और NBC न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट करना न भूलें।